अगर बीच में बीजेपी ने आती तो ये सदा को पानी अब तो 5 साल पहले आता, तो 5-6 साल लेट हो गए हो। तो गुजर में रहते, हाँ बीजेपी का राज में थे, वसुंधरा बिल्कुल नहीं सुनी थी हमारी। बहुत कांग्रेस तो बहुत कुछ कर रही, बने बीजेपी यार बीच में सारा काम देश में कर रहे थे। बीजेपी सरकार करे थे और खट बीजेपी यार उन कांग्रेस सरकार में इतने दलाल है, इतने इसकी कोई सीमा नहीं है। जय सिंह गुर्जर जी, आप दौसा के अंदर, राजस्थान दौसा के अंदर आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी की, और ये पापा जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। वो अपने चाहते होंगे, लेकिन यहाँ से जीतेगा दौसा से शंकर शर्मा ही जीतेगा, क्यों अच्छा कैंडिडेट। शंकर शर्मा तो जीतेगा राजस्थान के अंदर। सीएम कौन बनेगा? सीएम बने वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे बालक। पापा जी कौन जीतेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? राजस्थान का कांग्रेस का। कांग्रेस का तो बीजेपी का कैंडिडेट कह रही है। अभी तो पार्टी से देखो, वो तो गाँव में पार्टी रही, कोई बीजेपी में देखो, कोई कांग्रेस में देखो, को नेता भी अचाव कांग्रेस को तो अचाव से मैं बनू, बीजेपी को अचाव से मैं बनू, ये तो गाँव में भी नहीं आ, बीजेपी ने कोई यहाँ पे सुधार नहीं करा क्या? कोई सुधार नहीं किया। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, ये के लिए कर दियो वो सर। ये तो आपके इलाके में रह रहे हैं ना, आपको भी पता होगा कि बीजेपी का जब ये कह बोल रहा थे या बोल रहा जो बलात्कार हुआ चेर हुआ या नाड़ कट्टी लड़के बीजेपी का राज आ जाओगे और सीट मुख्यमंत्री बन जाओगे, और दूसरे ही दिन कोई नाड़ काट दी तो अपना पमस हुई वो नेता होगा कि वो कट्टा होगा के कई भाई भाई मार रहे हो जी सर नेता थोड़ा ही खेचे काटो मारो वो खैर नेता। तो बाबा जी ये तो कह रहे कि बीजेपी राज में गुंडागर्दी नहीं हुई थी सी, बीजेपी गुंडागर्दी नहीं हुई थी बीजेपी के राज में। हमारे दौसा जिला है, दौसा जिले में शंकर शर्मा एमएलए थे जिस टाइम में बहुत भ्रष्टाचार था पहले, लेकिन शंकर शर्मा ने आते ही भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और ये कह रहे कि बीजेपी राज में इतना गुंडागर्दी है, लूट बलात्कार। दौसा में ये था कि हम सिंगवाड़ा चुंगी से यहाँ सिंगवाड़ा तक आते थे ना, 25 जगह रोड पे रस्सा बांधते थे कांग्रेस का राज में, और बीजेपी का राज में चाहे रात के 12 बजे लेट जाओ चाहे मोटे रहो कोई हलचल नहीं थी। तो आपके अनुसार बीजेपी ने विकास करा नहीं करा? विकास बीजेपी ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया। अब तो ये चुनाव है, चुनाव के खाते तो हर आदमी कुचर की टाइम तो हर आदमी काम करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं किया? इससे पहले नहीं कह रहा? तो ये बाबा जी कह रहे हैं तो विकास करा है साहब। मैं यह कह बताऊँ तो बीजेपी ने हमारे दौसा में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक तो बताओ ये इतना आदमी बैठे थे भाई काई करे, कोई सामुदाय बनाए हो, कोई स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, कोई हॉस्पिटल बनाए हो, कोई रोड डाले हो, काई करे हो, कोई मान लो कोई नियम लागू करे हो कि अगवाई गरीबा के लिए या नियम थे, यानी आज 70 नियम लागू थे कांग्रेस का राज में, आज कम से कम 20 नियम लागू थे पब्लिक के लिए, कोलेगा बन गई। ये तो कह रहे हैं कि ना लूट है ना बलात्कार है ना कुछ गुंडागर्दी है बीजेपी राज में, 12 बजे घूम लो 1 बजे घूम लो। सुनो बीजेपी का सुनो, नेता का ही करेगा इनमें, नेता कराओ जगी काम ना? नहीं ये नेता नहीं, नहीं नहीं तो नेता बार मान लो पुलिस तो मान लो आज आओगी कदे अगर नाड़ काट दूंगा की जद जब वो नेतो खयो मुने मान सिंह की नाड़ काट दीजिए वे दोष नेता का का ही कौन ये तो आप ना पाए मरांगा मरांगा नेतान का कोई दोस्त तो लड़का कांग्रेस का राज में छतरी वाली डाणी पे ही लड़का खत्म हुआ था कांग्रेस के राज में, और बीजेपी का राज में ये एक भी साबित करके दिखा दो दौसा के अंदर। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में गुंडागर्दी थी, कांग्रेस का राज में हुई थी, आप कहीं से भी ट्राई कर लो, दौसा में हुई थी, बोरोदा में हुई थी, हत्याचार हुआ था बीजेपी का राज में। अरे लाली मथुरा का यार बीजेपी में ही है यार, बीजेपी में इसी गुंडागर्दी। वाह वाह, आप बताओ कि किसके राज में गुंडागर्दी हुई? कांग्रेस काम को बीजेपी काम है, बीजेपी राज में गुंडागर्दी हुई तो आप वोट किसे दोगे? कांग्रेस। तो सीएम किसे बनाओगे? कोई भी बन जाओ, सचिन बन जाओ, गहलोत बन जाओ, कोई भी बन जाओ। ये तो कह रहे हैं कि सीएम जो है वो वसुंधरा राजे जी बनेगी, दोनों एक सम्मान जमा कर ले राज में गुजर में रहते, हाँ बीजेपी का राज में जो वसुंधरा बिल्कुल नहीं सुनी थी हमारी, हाँ बीजेपी राज में नहीं सुनी थी, कांग्रेस राज में सुनी, कांग्रेस राज में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बीजेपी राज में गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राज, ये तो ऐसे ही बोलते हैं जी। 72 लोग मरे थे, वो आरक्षण के मामले में मरे थे, कोई सरकार के मामले में नहीं मरा था, आरक्षण लेने गए थे गुजर
वहाँ कर्नल करोल सिंह बैंसला नहीं आया था टाइम से, जिससे पहले गोली निकली थी। अच्छा। उसमें कोई सरकार का मैटर नहीं है। आपके अनुसार जो बीजेपी राज है वो ही सुधार कर सकती है राजस्थान के अंदर? बीजेपी राज सुधार कर सकती है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस सरकार को करना क्या चाहिए फिर? कांग्रेस सरकार को हटा देना चाहिए भारत के, मतलब सचिन पायलट अशोक गहलोत सबको हटा देना गलत चाहिए। तो जिसको हटा देना चाहिए, बीजेपी का ही सरकार होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी सरकार ही चाह रहे हो आप? जी भाई साहब, आपका क्या कहना है फिर? ये कह रहे हैं कि बीजेपी राज आएगा। भाई साहब, तो पागल से कहां भी कर सके, दिमाग से गिरे से नहीं। कांग्रेस सही से आपके इलाके में रह रहे हैं, ये भी वोट देंगे, आप भी वोट दोगे, भाई साहब तो कहां भी कर सके। बीजेपी को काई कौन सरकार में, कांग्रेस सरकार में इतने दलाल है इतने, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुरारी लाल जी भी आ रहेंगे दौसा से, तो दलालों की तरफ से आ रहेंगे। ये तो कह रहे हैं कि मुरारी लाल जी आ रहेंगे, दलाल तो पागल है। ये तो कह रहे हैं मुरारी लाल जी आ रहेंगे, खराब है तो ऐसे ही बोल रहे। बाकी बलात्कार भी करेगा तो करेगा, नेता कहेगा कि इससे तू बलात्कार कर दे, नेता नहीं कहेगा, नेता नहीं कहेगा। तो ये भ्रष्टाचार तो चलता रहेगा, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, ये भ्रष्टाचार कदी को मट है। सरकार तो यह कर सके थे भाई माने पानी ले आओ, माने या सहायता दो, मगा बिल माफ करो, मगा बिल कम करो। आज गाय भी मर गई माँ की, तो गाय का भी 40,000 रुपया मिल रही है। वसुंधरा अगर बीच में नहाती ना, तो ईसरदा को पानी आज से 5-7 साल पहले आ जातो। अच्छा। बीच में ही नारी गोठियालो गाल दियो, वरना मां गए दे राजस्थान में, आज से 5-7 साल पहले ही पानी आ जातो ईसरदा को। आज क्यों तसाया मरता में, आज तसाया मर दिया था। अगर बीजेपी बीच में नहाती तो पानी पहले आ जातो। तो वह तो बहुत, कांग्रेस तो बहुत कुछ कर रही, पर बीजेपी यार बीच में सारा काम डैश मैच कर देते। बीजेपी सरकार करे थे और खट बीजेपी यार उन्होंने खत्म कर दिया। साफ बीजेपी कर रही, बीजेपी बिल्कुल एकदम कांग्रेस को बिगाड़ने का काम कर रही है, कर रही है, मतलब टांग अड़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल भाई साहब, ये तो कह रहे बीजेपी है, कांग्रेस है, कैसे मतलब? ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी नहीं आएंगे। वसुंधरा राजे जी आएंगे, बीसलपुर का पानी की बोलते हैं ये। बीसलपुर का पानी आज से 10 साल पहले बीजेपी सरकार ने पहुंचा दिया दौसा के अंदर। हमारे गांव डिगारिया है, वहां बीसलपुर का पॉइंट लगा हुआ है। हमारे सिंगवाड़े में बीसलपुर का पॉइंट लगा हुआ है और सिंगवाड़ा गांव से बाहर लगा हुआ है, बीजेपी का राज में है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी राज में पानी भी आ रहा है, सिंचाई व्यवस्था है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे पानी की त्राई मच रही थी गत 5 वर्षों में, 2013 में जब कांग्रेस सरकार हार गई, बीजेपी सरकार राजस्थान में आ गई, तो हमारी बहुत बुरी दुर्दशा हुई थी। क्योंकि हमारे लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार मचा करके, रिश्वत दे करके, दारू पिला करके, शराब पिला करके, पूरे के पूरे सांसद मोदी जी ने ले लिए, खरीद लिए। फिर भी हमारा सांसद होते हुए भी ईसीआर योजना के अंदर हमारा चंबल नदी से पानी नहीं जुड़वा सका वो, तो हमारे पानी की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। सभी काश्तकार वर्ग है, काश्तकार वर्ग हमारे ज्यादा है, 80% काश्तकार वर्ग को पानी तो चाहिए, पानी तो चाहिए। तो पानी के बगैर फसल कैसे होगी, खेती कैसे होगी? सिंचाई मंत्री कौन है? यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, हमारे राजस्थान के, लेकिन वो बीजेपी कैंडिडेट होने के नाते राजस्थान पे ध्यान ही नहीं है उनका। तो हमारे उन्होंने पार्टी चेंज करी क्या? पार्टी चेंज नहीं की, वो शेखावत जी वो शुरू से ही बीजेपी के हैं, वो बीजेपी पार्टी के हैं। पक्ष नहीं लेते? नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सभी कांग्रेसी है, ज्यादातर राजस्थानी कांग्रेसी है, तो इसलिए वो उनका ध्यान राजस्थान पे है नहीं। आपके उनकी नजर में आप लोग एक दूसरी नजरों से देख रहे हैं। बिल्कुल जी भाई साहब। जी पापा जी, कांग्रेस और उधर से तो आवाज आ रही है बीजेपी। तो कांग्रेस दारू खो रही है, तो तीन बंदे हैं इधर, तीन बंदे कह रहे हैं बीजेपी। मैं पागल है, वहाँ के पी बना चाहिए, खा बना चाहिए, मैं बताऊँ जी सु जो सांझी तो आई तो कांग्रेस ही रहोगी, कहीं रहोगी जी? तो कांग्रेस का मैं थोड़ा बहुत फायदा मिले तो माने। तो सीएम किसे देखोगे फिर? सीएम तो कोई बन जाओ, कांग्रेसी पार्टी का कोई बन जाओ, हमारे लिए वो स्वीकार है, जो भी बन जाएगा वो स्वीकार है। आपका विकास कांग्रेस सरकार? बिल्कुल कांग्रेस, हमारी तो सोच ये है कि मोदी जी को हटा के कांग्रेस का पीएम बनाएंगे। प्रधानमंत्री राहुल जी को देख रहे हो? बिल्कुल राहुल जी को देख रहे हैं, बिल्कुल राहुल जी को देखेंगे, 100% राहुल जी को बनाएंगे। राहुल जी से हम खुश हैं, हमारा विकास भी राहुल जी करेंगे।
वैसे इस 5 सालों में हमारी कांग्रेस सरकार ने हमारी खूब मदद की, खूब हेल्प की, खूब विकास किया। जो कि हमारे दोसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, पायलट साहब की देन थी। उस टाइम हमारे दोसा में सिर्फ 2 महाविद्यालय थे, आज बच्चों के लिए 9 महाविद्यालय है। इन 5 सालों में 7 महाविद्यालय खोले कांग्रेस सरकार ने हमारे दोसा विधानसभा क्षेत्र में। आज 9 महाविद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो किसकी देन है ये? हमारे से कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की देन है। राहुल जी की देन है, हमारे अशोक गहलोत जी की देन है, सचिन भाई साहब की देन है। ये भ्रांति दिखा रहे, ये पॉलिटिक्स दिखा रहे बीजेपी पार्टी। हालांकि हमारे सभी नेता बराबर अक्सर काम कर रहे हैं। तो चलो एक से हैं, पर एक ही पार्टी से 2 कैंडिडेट तो खड़े नहीं हो सकते। आपका रुझान किस तरफ है, अशोक गहलोत की तरफ या सचिन पायलट की तरफ? हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बन जाएगा सीएम, वो हमको स्वीकार है। दोनों स्वीकार है, कोई दोनों अच्छे नेता है भाई। पार्टी की कुछ विचारधारा कुछ चेंज हो जाती है, घर में लड़ाई नहीं होती क्या? 2 भाई होते हैं 5 भाई होते हैं, सबकी लड़ाई होती है ना, तो फिर एक जगह बैठते भी है तो छोटी मोटी चलती रहती है, उसमें क्या हो गया? पार्टी के लिए बराबर काम कर रहे हैं। इनमें तो एक थोड़ा सा मतभेद भी तो है कि अशोक गहलोत का सचिन पायलट का? कुछ नहीं है मतभेद, कुछ भी नहीं है। एक हमारी गरीब जनता है, अनपढ़ भोली भाली, गाँव का देश है भारत, गाँव का देश है। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे है जो बेखानी वाले होते है ना, वो मतभेद कर रखे है। हाँ वो मतभेद कर रखे है, क्योंकि 1% बात होती है ना वोटों का बंटवारा करने के लिए, वो 100% बना देते हैं उसको। ये है और कुछ नहीं है। छोटी सी लड़ाई होती है उसको बड़ी बना देते हैं, ये है और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी एक है, बड़े लीडरशिप एक है, और मैं मानता हूँ पूरी राष्ट्र की कांग्रेस पार्टी है वो एक है, कोई भी नेता बाहर नहीं है। ये तो मतलब कि आप सचिन पायलट या अशोक गहलोत को दोनों में से जो भी कैंडिडेट होगा उसे कर, जो आगे से फैसला आएगा केंद्र से, जो बड़े वहां से फैसला आएगा वो हमारे सिर माथे पे है, और सभी का वेलकम है। जो मुख्यमंत्री पे बनेगा चाहे सचिन पायलट जी हो या गहलोत साहब हो, बढ़िया है हमारे लिए दोनों जी। भाई साहब आप किसे दोगे? नहीं ऐसे नहीं चलना काम, ये आप जनता हो, जनता की राय है। ये बीजेपी आएगी? हाँ, जी बीजेपी आएगी। हाँ ये तो कांग्रेस कह रहे हैं, कहने दो से, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता नहीं। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का सीएम आएगा, कांग्रेस आगे तो विकास करेगी। बालकनाथ आएगा? बालकनाथ आएगा। लो जी ये तो कह रहे हैं बालकनाथ जी आएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो कह रहे हैं बालकनाथ जी आएंगे। कांग्रेस वाले ये बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे कांग्रेस वालों नेता ने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी खरीद खरीद करके ले गए। अच्छा। तो पागल कांग्रेस नेता है तो चुनाव क्यों लड़ती है कांग्रेस आके राजस्थान में? तो ये तो देखो ये कह रहे हैं कि पागल है कांग्रेस सरकार। वो बता रहे हैं ना भाई साहब, अभी बोल रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी कांग्रेस वालों को खरीद के ले गए। उनको नहीं पब्लिक की बात है, नेता को खरीद के, नेता को नहीं पब्लिक की बात है, पब्लिक की बात है। नमक कांग्रेस को नमक का कर है हमारे यहाँ से, तो आप कांग्रेस में देगा या तो हमारे यहाँ से नमक का कर। इसका नमक खा रहे हैं ये कांग्रेस का खा रहा है, खा रहा है बीजेपी की, अरे बीजेपी की। नहीं मैं तो शुरू से बीजेपी का आदमी हूँ और बीजेपी से ही नमक खा रहा है कांग्रेस का, ग्यारह बीजेपी का, हम तो कांग्रेस में देंगे नमक खा रहे हैं। सर आप बीजेपी बीजेपी ठीक है, मैं पहले बीजेपी का सपोर्टर था ठीक है, मैं नहीं नहीं जुड़ा था, पर मुझे एक बात बताओ, जो 70 साल में तेल था कितना था? 65 था 2014 में, 65 था, आज कितना है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी है? एक ओसवाल का साबुन, एक छोटा सा भाईना, एक कोरोना का भाईना क्या मिल गया जो 53,000 का, सॉरी 53 रुपए का पूरा मिलता था ओसवाल साबुन का, आज 100 रुपए प्लस चली गया था वो, ठीक है। किसान का जो बाजरे का जो भाव था ना, 1 क्विंटल का गेहूं का जो भाव था, वो भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? यानी कि और चीजें डबल हो रही है और किसान की, कहते हो किसान के साथ में, गरीबों के साथ में, मुझे ये बताओ आज 2014 में बाजरे 1 क्विंटल कितने कितने का था, आज कितने का है? 100-200-300 रुपए का फर्क पड़ा है। गैस का सिलेंडर कितने का था आप बताओ मेरे को, गैस का सिलेंडर कितने का था 2014 के अंदर? 350 का सिलेंडर मिलता था, एक छोटा सा इन्होंने क्या किया, डिजिटल करके, देखो वो तो मानना पड़ेगा इन्होंने किया है, थोड़ा बहुत किया है, वो तो आने वाली जनरेशन के हिसाब से डिजिटल करा है, वो तो डिजिटल, देखो दुनिया डिजिटल हो रही है, इन्होंने क्या कर दिया? ये तो कह रहे हैं कि डिजिटल हमने नहीं करा, डिजिटल दुनिया की वजह से करा, दुनिया की वजह से हो रहा है। तो सर मुझे एक बात बताओ, जो 350 रुपए का सिलेंडर था वो 1100 पार पहुंच गया है और आज 1000 के लगभग मिल रहा है, तो मतलब कि बीजेपी सरकारें गरीब के साथ मतभेद कर रही है। अब सर आप सोच लो ना, आप सोच लो ना, पैसे वाले तो अरबपति भी है करोड़पति है भी है, उनके क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं एमए कर रखा हूँ, बीए कर रखा हूँ, आज मैं धंधे के लिए है ना मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल शहर में अगर जाता हूँ तो दुकानदार 5-6 हजार रुपए में महीने लीटर डीजल तो आज 100 का ऊपर पार बोल गो किसान का है माचदा होगा। और ये करते गौ माता मुझे एक बात बताओ, बीजेपी जो पार्टी है ये पैसों वाले की पार्टी है, 15 रुपए किलो के टमाटर की 250 रुपए किलो कहाँ खाओगा, ये गरीब आदमी कहाँ खाओगा, कहाँ खाओगा, क्या खाओ, पानी बनिया का कोड़ा लगा हुआ टमाटर में पैदा कर सका था, पर अब पानी बनिया कहाँ करा, पानी को मातोदरा की छेने। तो ये सर दूसरी बात मैं एक ही और बता देता हूँ, हमारा क्षेत्र आता है विधानसभा क्षेत्र 2 सा आता है, ठीक है सर, यहाँ पे पहले काफी एमएलए हो गए, ठीक है, हर समाज का बना है, लगभग विधायक हर समाज का बना है। मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि संस्कृति ये जो अभी आचार्य महाविद्यालय बना ना, इससे पहले मुरारी लाल जी से पहले शंकर शर्मा था यहाँ पे, ठीक है, वो किस समाज से था, ब्राह्मण समाज से था, उस टाइम पे यहाँ से बच्चे आचार्य की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद या दूर शहर में जाते थे, मीणा समाज का होता हुए भी मुरारी लाल जी ने सर्व समाज की सोची, और आज वो आचार्य महाविद्यालय है। दूसरी बात, दो महाविद्यालय थे, एक तो पीजी कॉलेज और महिला कॉलेज, आज 8 महाविद्यालय है 2 सा में, 8 महाविद्यालय है, मतलब कि विकास तेजी से हो रहा है, बिल्कुल 80 फीट नाम का 80 फीट रोड जयपुर में सुनते थे, आज 2 सा में 80 फीट रोड है सर, 56 सीनियर स्कूल खोले है इसने, आजादी से पहले यहाँ पे 37 थे, अब इसने 56 खोल दिए ने, बढ़ोतरी है 2 सा के अंदर, बिल्कुल साहब, आप कहीं से पूछ लो, देखो जो नमक हराम हो जाए वो तो उसकी तो कह नहीं सकता, आप देख लो पहले मूंगफलियों का और पकौड़ियों के ठेले दिखते थे, आज देखो चौड़े चौड़े आधे आधे बिगड़े में सड़कें जा रही है, 4-4, 5-5 ओवर ब्रिज है, क्या कमी है 2 सा में, अगर बीच में बीजेपी ने आती तो इस सड़क को पानी अब 5 साल पहले आ जाता, 5-6 साल लेट हो गयो, माता का 40-40 हजार रुपया बांध दिया हमारे लिए कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, हाँ कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी के पक्ष में क्यों कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, वसुंधरा राजे जी को वोट देंगे।